कितना अच्छा लगता है तुमसे मिलके, यू सो मच फन। अरे ये हमेशा से ऐसा नहीं था, मुझे आज भी याद है जब इसका ब्रेकअप हुआ था। यार वो कितना डिफिकल्ट टाइम था और उसी चक्कर में मैं आउट भी हुआ था। यार ये बात 3 साल पहले की है, मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करता था और मेरे साथ मेरी बात समझने वाला कोई नहीं था। यार तब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था? नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं था। यू नो लोग कहते हैं कि उनका बचपन का दोस्त होता है, उनका स्कूल का फ्रेंड होता है, बट मेरा कभी कोई फ्रेंड नहीं रहा और मैं बहुत ही डिप्रेस्ड रहता था। बट पिछले 3 सालों में मेरी लाइफ काफ़ी बदली है, आज मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेमोरीज हैं। दैट्स लवली, बट ये सब हुआ कैसे? लगभग 3 साल पहले मैं एक रिलेशनशिप में था बट थिंग्स डिड नॉट वर्क एंड आई वॉज ब्रोकन और मैं बहुत ही अकेला था उस वक्त। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं ये बातें किसी से शेयर नहीं करूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। आई कैन अंडरस्टैंड, टॉकिंग ऑलवेज हेल्प्स। हाँ मैंने ये सब जाकर अपनी एक क्लासमेट को बताया था। अरे पूछो मत, मैंने बोलना था तो बस बोल दिया, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया बट काफ़ी शॉक थी वो। कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा कि आखिर तुमने ये सब मुझे क्यों बताया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने स्माइल की, उसे थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। ट्रस्ट मी, उस दिन से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। मैं दिल्ली से लखनऊ आया और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। आई हैव फ्रेंड्स इन दिल्ली, आई हैव फ्रेंड्स इन लखनऊ एंड आई एम आउट नाउ एंड आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड मी फॉर हु आई एम। यू नो आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव दिस ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड आई हैव दिस कम्युनिटी फैमिली। वी आर योर फैमिली, वी लव यू सो मच।